أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكر به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي रहमतुल्लाहि व बरकातहू ये जो आयत मैंने पढ़ी है ये सूरा अल अनआम चैप्टर सिक्स वर्स 44 फोर एंड फोर्टी फाइव है अल्लाह पाक फरमाते जब इंसान हमारी वार्निंग्स या हमारे अहकाम भूल जाते हैं नसुमा जिक्र बी ये जिक्र को भूल जाते हैं तो हम उनके लिए तमाम अशिया के दरवाज़े खोल देते हैं मतलब आप इंजॉय करो कोई मसला ही नहीं कोर्डियल टाइम है और फिर हम फौरन उनको पीछे से पकड़ते हैं और उनका हिसाब लेते हैं और उसके बाद हम उनके आखिरी टुकड़े जो हैं उसको भी नहीं बख्शते और फिर जो नेक लोग हैं वो अपने हाथ उठा के दुआ करती अल्लाह तेरा शुक्र तूने ये फासिक लोग इनको इस दुनिया से ख़त्म कर दिए ये फासिकून मुनाफिकून यह है सूरत अनाम चैप्टर सिक्स फोर्टी फोर फोर्टी फाइव आज का जो टॉपिक है लेक्चर है वो है ये जो मराश में आया है जलजिला मोरको नियर टू द ओशन, कॉन्टिनेंट अफ्रीका उसके साथ दूसरे ममालिक हैं अल्जीरिया, टनीजिया ऑन एंड नॉन मेडिट्रेनियन और उसके ऊपर यूरोप देखें ये जो जलजिला है पहले आया तुर्की में अब ये आया है मोरक्को मराकिश ये क्या के नीचे एक मुल्क है अगर आप देखें अक्सर लोगों को पता ही नहीं है लेकिन आप जरा कोशिश करें कि जो मुसलमान इस टाइम दुनिया में है जो अरब्स खास तौर पे जिसको मुस्लिम अरब्स बोलते हैं ये दो जगह डिवाइडेड हैं एक आप कह लें कॉन्टिनेंट एशिया का जिसके अंदर ये सारे ममालिक आते हैं मिडल ईस्ट के और दूसरा जो है कॉन्टिनेंट अफ्रीका अफ्रीका के अंदर ये सारे लेफ्ट साइड पर जो जाते हैं जिसके अंदर आप कह लें मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजिप्ट अपर इजिप्ट लोअर इजिप्ट उसके साथ आपके अल्जीरिया, फिर टूनीजिया फिर मोरक्को, ये सारे ममालिक जो मेडिट्रेनियन सी के नीचे हैं ये कौन से ममालिक हैं ये मुसलमान हैं अरब्स हैं और फिर नीचे सूडान भी आ जाता है सूडान के नीचे आप चलते जाए चलते जाए जिबूटी वगैरह वगैरह सारे फिर नीचे सोमालिया करके आए थे ये सारे ममालिक और जो लेफ्ट साइड पे, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो लास्ट अटलांटिक ओशन के पास लगता है वो मुल्क है मोरक्को और उसकी जहां एक जगह है मराकिश सिटी है वहां पर जो जल्जला है मोर देन टू थाउजेंड पीपल हैव डाइट सफर इन्ना व इहीजी और टू थाउजेंड प्लस लोग और अराउंड सिक्स पॉइंट एट मैग्नीट्यूड जो उसका एपी सेंटर है वह बिल्कुल मेन सिटी के अंदर है हमें अल्लाह पाक से पनाह भांगनी चाहिए बनाने का मकसद क्या है आज का लेक्चर कि आज जल्जला हो कोई चीज हो हमें असर ही नहीं करती मैं हैरान होता हूं कि आप एक जगह जल्जले की रिपोर्ट पढ़ते हो साथ ही आपको क्रिकेट की पढ़ी हुई है कि क्रिकेट का मैच नहीं हो पा रहा जनाब क्योंकि बारिश हो गई इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं कर सकेगा क्योंकि बारिश हो गई ओ अल्लाह ताला से डरो मुसलमानों अल्लाह से डरो खौफ करो अल्लाह की जात से नबी पाक से ने फरमाया कि जल्जिला की की निशानियों में से एक निशानी होगी कि जलजिला का सारा जो फिनोमिन है इसको आम चीज समझी जाएगी कोई बात नहीं इट्स ए साइंटिफिक फिनोमिन प्लेक्ट्रॉनिक जो ना वो जो है टेक्टोनिक थीरी प्लेट्स हैं आपस में रगड़ी स्लाइड हुई एक शॉक वेव क्रिएट हुआ जजला आ गया क्योंकि ये जो है ना सारे ये फायर लाइन जिसको कहते हैं ना कि लाइंस ऑफ फायर ये सारे जो है ये प्लेट्स के ऊपर है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पर हैं तो चूंकि यहां पर जजला भाई हर चीज की साइंटिफिक रीजन होती है उसके पीछे एक बातिर एक बातवी वजूहत होती है जिसको कहते हैं डिवाइन इंटेलिजेंस क्या इंसान की जो बीमारियां हैं उसके पीछे हर चीज की साइंटिफिक रीजन मौजूद है बिल्कुल मौजूद है लेकिन बीमारी की एक अपनी जगह मौजूद है मौजूद है मिसाल के तौर पर किसी पर जादू हो गया अब वो जादू तो हो गया अब मेडिकली उसकी केमिकल जो बॉडी में हार्मोन्स है वो भी चेंज होंगे साथ साथ लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जादू कोई चीज ही नहीं थी उस पर तो साइंस एक आपको टर्मिनोलॉजीज देती है बस डेट्स ऑल इसका यह थोड़ी मतलब है कि दूसरी चीज का कोई वजूद ही नहीं हमारे यहां यह मुबालगा लग गया कि अगर साइंस को चीज दरियात कर ले तो दूसरी चीज की एग्जिस्टेंस ही नहीं भाई कोई भी चीज हो मौत है मौत एक सुपर नेचुरल फिनोमिनन है और एक फिजिकल फिनोमिनन भी है इंसान मरता है ठीक है रूह निकल गई जिसम जो था उसका बॉडी बॉडी जब डेड हो गई हार्ट एज ऑर्गन फेल्ड ब्रेन एज ऑर्गन फेल्ड ऑल द वाइटल ऑर्गन आर फेल्ड लेकिन उसकी जगह एक और है जो आपका कॉन्शियसनेस जो आपका लेवल ऑफ रूह जो मेटाफि बॉडी है वह डिपार्ट हो गई है अब उसकी जो, उसका जो डिपार्चर है वह आपको नजर नहीं आया उसका जो अराइवल है वह आपको नजर नहीं आएगा लेकिन मेडिकल ने कॉज कह दे दी कार्डियरेस्ट तो दिल बंद हो गया हार्ट अटैक अब हार्ट अटैक तो हो गया भाई लेकिन हार्ट अटैक के बाद दूसरे पहलू भी तो हैं वो मेडिकल नहीं बताती क्योंकि वो उनकी फील्ड नहीं है इसी वजह से ये जो जलजिला आ रहा है इसकी एक हर वक्त साइंटिफिक वैल्यूज तो होंगी लेकिन ये जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है कभी सोचा है हमने कि अल्लाह पाक जो है हमसे क्या चाह रहा है मैंने आयत पढ़ी ना शुरू में कि अल्लाह अगर अगर बासनीतल के अहकाम भूल जाते तो देखना तुम लोग की सजा खड़ी है ये जितने ममालिक आप देख लें खास तौर पे ये जो अफ्रीकन के जो नॉर्थ साइड के कॉन्टिनेंट पर हैं ये सारे अजीब से ममालिक हैं कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम है बेपर्दगी ओपन है सेक्युलरिज्म भी है कॉग्निटिव डेसोनेंस भी है कुछ समझ ही नहीं आती कौन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या पॉइंट ऑफ वैल्यूज क्या है आपकी सोवरियनटी बिलोंग्स टू हू टू हूम पता ही कुछ नहीं पाक ने ये हमें बार बार वार्न कर रहे हैं और फिर इसमें हर बंदा मारा जाता है मासूम हो नेक हो बच्चा हो बख्शि नहीं होती फिर किसी भी कट ऑफ और फिर तमाम जो लोग हैं नेक लोग कहते हैं थैंक्स टू यू दैट यू हैव रेडिकेटेड दीज इस क्या आप ये चाहते हो हमारी डेस्टिनेशन हो सबसे पहले अपने आप को वैल्यूएट करें अपने एसेस करें लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान हम कर क्या रहे हैं हमारा कोर्स क्या है हमारी डायरेक्शन क्या है हमारी सॉवरटी क्या है हमारी आइडेंटिटी क्या है पॉइंट क्या है हमारी वजूद का हमारी पूरी नेशन की एग्जिस्टेंस का जी ट्वेंटी समिट हुई सिर्फ पाकिस्तान वॉज आउटस्टेड पाकिस्तान वॉज नॉट इंक्लूडेड एक्जेड नॉट नीडेड नॉट अब्लाइज एनी मोर तो ये क्या इनफ डिस्क्रेस नहीं है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह से तोबा करें और अपने तब जो वजह से हमने पाकिस्तान हासिल किया था भाई उस तरफ आ जाओ हाँ और कोई रास्ता नहीं है इलाम अकबार ने फरमाया था ना कि मगरब के, के मजे हैं मीठे दिस डिलइटेड दिस इज स्वीट्स इन द फार्मोपिया ऑफ वेस्टर्न फार्मेसी और मेडिकेशन और मेडिसन्स भाई वो मजे है मीठे लेकिन अंदरों चंगेज से भी तारीख तर रोशन चेहरा अंदरों चंगेज से तारीख तर वो मगरब के जो मामला थे जो उनकी अखलाकियात या उनके जो कल्चर उनके ट्रेड्स और जो वैल्यूज़ हैं उसको एडॉप्ट करके मगरब जितने और ममालिक उन्होंने क्या हासिल कर लिया क्या डेस्टिनेशन मिली कोई तरीका नहीं है याद रखना कुरान के अलावा इस्लाम के अलावा आप उस पर फलाह हासिल कर सकते हैं पाक थी 85, इस्लाम के अलावा कोई भी दीन अपनाया तुम्हारी फलाह नहीं है और जब अल्लाह पाखुर फ्रॉम द अल्लाह पॉइंट ऑफ व्यू विच ही टू एक्सेप्ट ही विल बी गोइंग टू एक्सेप्ट इज इस्लाम इस्लाम के अलावा कोई दिन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा वे ऑफ लाइफ इस्लाम माफ करना सिर्फ मजहब और राइट्स और रिचुअल्स का नाम नहीं है इस्लाम पूरी एक वे ऑफ लाइफ है सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जोड़ के इस्लाम बनता है और उस इस्लाम के बारे में कोई है ही नहीं तस्वुर ही नहीं आप पाकिस्तान थोड़े दिनों के लिए चले जाएं एयरपोर्ट पर उतरेंगे वहां से झूठ शुरू हो जाएगा झूठे मक्कार जिसकी जितनी बड़ी दाढ़ी उतना बड़ा मक्कार और झूठा तभी अल्लाह पाक जो है वो आपकी दाढ़ी और महराब से आपको नहीं जज करेंगे नहीं जज होगी उस टाइम दाढ़ी और मेहराब से जज होगा तुम्हारे अमल से लेकिन इसका मतलब नहीं कि दाढ़ी नहीं रखना दाढ़ी सुनत वाजिब रखनी है बगैर रखोगे गुनाह है वो अल्लाह के बंदो ये कुछ सुनते जो हैं उनको रखना जरूरी है उसके बगैर गुनाह है कुछ सुन्नत ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं कुछ जो है उन पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मुसलमानों तुम्हारी पहचान है जैसा कहते हैं ना द लाइन विदाउट हिज मेन इज द सेम लाइक मैन विद आउट बियड इज सेम लाइक लाइन विदआउट इज मैन अगर एक लाइन है उसके दाढ़ी के सारी निचले बाल काट दो तो उसकी क्या दहशत रहती है उसकी क्या एक ओ आई जिसको कहते हैं ओ किसी के रोब क्या रोब है उसका कुछ भी नहीं है वह तो एक बिल्ली की पता बन जाएगा बिल्ली और यही तो शेर में फर्क है कि शेर विद लाइन कुरान तो कहता है कसवरा हर मुसलमान तो कसवरा है सूरतमदसर के अंदर कि हुमरुन मुस्तन फरा मिन कस ये जो है काफिर ये तो ऐसे हैं जिससे है एक गधे जंगली गधों की तरह भागते हैं जैसे इनके पीछे कोई शेर पड़ा हो शेर लायन इन द कुरान मेंशन। कभी पता आप लोगों को कि शेर कुरान में मौजूद है इसका पूरे कुरान में एक दफ़ा शेर का जिक्र है

वो आगे से कुछ कर सके काउंटर अटैक कर सके मुसलमानों अल्लाह से तोबा करो खुदा का खौफ करो खुदा का खौफ करो डर जाओ ये पैसा दौलत कहां लेके चले जाओगे कितनी को प्रोडक्टिव लाइफ है एक इंसान की इस दौर में इस एरा के अंदर कितना कितनी दमाल दौलत इकट्ठी कर करो ना कोई शर्म ना पर्दा ना कोई तमीज सूदी कारोबार खाई, खाई जाओ खाई जाओ जितनी बड़ी दाढ़ी उतना बड़ा सूदी एक घर से चैन नहीं भरता दूसरा कोठी बना लो तीसरी कोठी बना लो एक चढ़ती नहीं उसको किराए पे चढ़ा दो अगली ले लो कुछ शर्म करो कुछ सोचो आखिरत का सोचो कुछ दीन के ऊपर इन्वेस्ट करो जो पूछा जाना है तुमसे क्या के दिन यह नहीं पूछे जाने कितनी कोठी कितने मरले की कितने केनालों की कोठी रखी कौन सी गाड़ियां कहां कहां रखी कौन सी गाड़ी चलाते रहे कौन सी जीनत के अंदर रहते रहे अल्लाह ने यह नहीं पूछना नबी अपा ने फरमाया हर इंसान से पूछा जाएगा तूने जवानी में क्या किया तेरा माल कहाँ खर्चा किन कामों में तू लगा और बुढ़ापे में क्या क्या पूछा जाएगा और जब एक इंसान एडल्टहुड में चला है तो उससे क्या क्या पूछा जाएगा इमेजिन करो हर चीज का सवाल है पैसा कहाँ से आया पैसा कहाँ गया किसने दिया किसने लिया यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरी वन पेनी ऑफ योर लाइफ डोंट थिंक दैट दिस इज यून यू आर स्कॉट फ्री ऑन दिज ऑल एनोमलीज एवरी वन मस्ट बी आस्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट कहां से खाया कहां से पिया आज कुछ पता है कुछ नहीं फलानी चीज भी हलाल है फलानी चीज भी हलाल है ये तो सूद थोड़ी है ये तो सूद ऐसे थोड़ी होता है ये सूद नहीं वो सूद बाबा सूद किस चिड़िया का नाम है यही वजूहत कि आज हम पे क्लामिटीज हैं और कुरान कहता है बार बार जलजाल सूरत जल्दाल जल जलाह क्यों आता है जब अल्लाह का कहर और गुस्सा होता है अल्लाह पाक फरमाते हैं हम तीन तरीकों से तुम्हें सजा देंगे या आसमान खोल देंगे कोई मीटियोर या कोई कॉमेट शावरिंग होगी तबाही मच जाएगी या फिर जमीन खोल देंगे इसको कहते हैं जल जला जमीन कैसे खुलती है ये जो क्रस्ट है क्रस्ट के नीचे आपके मैग्मा है नीचे उसके बाद जो है ना कोर्स है इनर कोर है आउटर कोर आउटर कोर के बाद इनर कोर है जब निचला एरिया बहुत गर्म हो जाता है जिसको कहते हैं मैग्मा या फिर मॉल्टन रॉक्स लावा मेंटल वो फिर नहीं जब जगह नहीं कैपेसिटी नहीं मिलती तो वो फट के जो है क्रस को चीरता हुआ ऊपर आता है जिसकी वजह से जो प्लेटें होती हैं वो कॉन्टिनेंटल शिफ्ट होना शुरू हो जाती है कोई नीचे चली जाती कोई ऊपर चली जाती जिससे ट्रेंचेस भी बनते हैं जिस तरह मैरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन के पास ये सारी ट्रेंचेज सारी क्यों बनती हैं ये अल्लाह का गजब है ये अल्लाह अल्ला की निशानियां हैं और साइंस वालों तुम तो साइंस की स्टडी करते हो करो इट्स ऑलसो इंपॉर्टेंट आई एग्री विद यू लेकिन उसकी जो स्पिरिचुअल रीजन है वो क्या है दिस वॉज वंस द रॉस ऑफ अल्लाह विच यू में सुरम मरियम कॉमन लुद्दा ये जो कॉमन लुद्दा है इनको हम कैसे सजाएं दे रहे मरियम की आखिरी आयत अल्लाह फरमाते हैं हमने कुछ कौमों का जब दिया जिसकी सराहट भी नहीं तुम्हे पता देर इज नो विस्परिंग ऑफ दो पीपल अल्लाह ने उनको फिनिश कर दिया इडिकेट फॉर गुड वो जो इडिकेशन है वो तो तुम्हें अल्लाह ने पढ़ने के लिए भी नहीं दी वो कौमें। से क्या मतलब है कि अल्लाह चाहते हैं कि तुम सर्च करो ताकि तुम्हें पता हो कि मैंने किस किस कौम को कहां कहां अजाब दिया तुम उसको बेशक बेशकॉजिस्ट के एतबार से पढ़ो या ना या फिर आप उसको एतबार सेसिमो, से पढ़ो या आप उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अहबार से पढ़ो आपकी फील्ड हैं पढ़ते रहो लेकिन उसकी कॉजि क्या है एक फिजिकल साइंसिस एक मेटाफिजिकल कॉजे और मेटाफिजिकल कॉज अल्लाह जानता है वह जब कौमों को देता है हर चीज अल्लाह करता है उसका एक पर्पज है फायदा है इवन के जब जल्जला आता है उससे जो है जो आपके जो बायोडाइवर्सिफिकेशन एंड इकोलॉजी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती है रेफॉर्मेशन आती है चेंजिंग्स आती है आपको पता ही कुछ नहीं पता ही कुछ नहीं, ही कुछ नहीं है अल्लाह ताला इन तल्जलों से भी कंज्यूमर्स कंजु, प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स ये सारी जो गेम्स हैं बायोडाइवर्सिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोब्स या और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइफ इनसे फायदा उठाते हैं हर चीज अल्लाह करता है उसका फायदा है लेकिन उसका नुकसान है नुकसान लेने वाले नुकसान लेते हैं अपनी से और फायदा देने वाले अल्लाह से रिजक और फायदा लेते हैं। प्रौविदेंस। इस प्रौविदेंस, प्रौविदेंस नेचर यह तो अल्लाह ताला जानता है किसको क्या दे रहा है वो लेकिन याद रखना जो इंसान जब फहाशी खुले आम हो जाती है तो फिर रिजल्ट आते हैं यह है असल में क्रक्स ऑफ द पॉडियम फाशी बेशर्मी झूठ रिबा रिबा तो इतना सख्त गुना है कि जिसकी तो अल्लाह ताला ने कुरान में तो कहा जंग हम तो भाई जंग कर रहे हैं अल्लाह रसूल से हमने क्या किसी से जंग करनी आसपास आस पास से हम तो ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी इंटल्ड इन द वॉर अगेंस्ट हो अगेंस्ट हु क्रिएटर ऑफ द अर्थ अल्लाह सुबहान तआला और उसके प्यारे रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हम जंग कर रहे हैं और हमें पड़ी ये फलाने की हमें पड़ी क्रिकेट की जब ये कौमें सोती हैं ना अल्लाह ताला की आयत पढ़ी है ना तो फिर अल्लाह इनको पकड़ता है फौरन तो शर्म करो उम्मत मुसलमानों अल्लाह ताला के पहले तोबा करो कुछ एक हो जाओ मत की निशानियां सर पे यहूदियों के चरखे चल रहे हैं तुम लोगों के सर के ऊपर नजर नहीं आ रहा कि दज्जाल के आने की सारी प्रिपरेशन जो चल रही है वो कोई नजर नहीं आती हर निशानियां पूरी हो गई जो निशानी है सातुल जो है शरात सुगरा कुबरा सब फुलफिल सुंस जो कि बस आने वाले माह मेहदी मेहदी और ऐसा इबन मरियम सलातुलसलम बाकी क्या रह गया बाकी कौन सी ऐसी निशानी है जो फुलफिल नहीं हुई मुझे बताए तो कभी सोचे हम किस एरा में है किस जोन में और हम अपने जोन में बैठे कॉम्फर्ट जोन अपने कॉम्फर्ट जोन में बनाए अपने ढांचे अपने दायरे में रहते हैं बस हमें कुछ पता ही नहीं दिन है कि रात है क्या हो रहा है कोई कोर्स नहीं कोई डायरेक्शन नहीं कोई मोटिवेशन नहीं कोई कायम और डिलीजेंस डिलीजेंस नहीं है हमारे डिलीजेंट वैल्यूज नहीं है कि कोई चीज हम करें तो कैसे करें क्या करें क्यों करें पता ही कुछ नहीं नो कोर्स नो डायरेक्शन नो सेलर नथिंग तो मैं बार बार ये बात अपने बयान के जरिए बोलता रहूंगा कि भाई मुसलमानों ऐसे काम मत करो कि जिससे अल्लाह तौतमाही अजाब में डाल दे। आप तारीखी तन्हाई में जो मर्जी करो वो आपका और अल्लाह का मामला है जब ये काम आप पब्लिक में लेके आते हो देन देर इज नो स्कॉट फ्री नो बड़ी स्कॉट फ्री देन सुरा माइदा चैप्टर फाइव हंड्रेड एंड फाइव अगर बुराई का, का काम नहीं तुम रोकते और अच्छाई की तलकीन नहीं करते इंडिविजुअल या कलेक्टिवली तो फिर आजाब के लिए तैयार रहो अबू बकरी की इस आयत के ऊपर में है, रहीम बदाया व उनकी पूरी एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो तफसीर कुरान है तफसीर अब कसीर उधर लिखा है अगर आप पढ़ें तफसर चैप्टर फाइव और नबीज को यह एक्सप्लेन किया कि अगर तुम ये दो काम अकेले या कलेक्टिवली छोड़ दोगे बुरा देखा रोका नहीं अच्छाई की तलकीन नहीं की तो याद रख लो अल्लाह तुम्हें कैसे अजाम पहले खौफ फिर क्लामिटी ऑन एंड ऑन आज हमारा क्या बन गया हुआ है टिकटॉक की लानत उस पर देखो क्या मर्द करे नाचते नाचने वाले मर्द बेशर्म औरतें बेशर्म ना सर पे कोई दुपट्टा ना कोई तमीज ना कोई सलीका वो जो गाय का पेशाब पीने वाले हिंदू उनके गानों पे नाचना उनके गानों की धुन से धुन मिलाना मरासी ये है तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ये थी हमारी उम्मत आयशा कहेंगी ये है बेटियां खुदा खुफी करो कोई शर्म करो कोई अपने अंदर सेल्फ डिग्निटी पैदा करो इंटाग्रिटी पैदा करो मुसलमानों का यह नहीं था डेस्टिनेशन मुसलमानों की डेस्टिनेशन तो पूरे आसमान से लेकर कहां से जाए पुराने इस्लाम के बारे में पढ़े कैसे फ्रॉम दिस uh, मदीना टिल वेयर इस्लाम स्प्रेड विद इन हंड्रेड इन ऑफ स्पैन और आज देख लो किन कामों में लगे हुए किन कामों में हम लगे हुए हैं कभी आप अपने को ठंडे दिमाग से अपने को वैल्युएट करें तो ये सारे आज़ाद इसलिए हम पर हैं ना सूद ना कोई तमीज ना कोई हराम ना हलाल ना अखलाकियात ना शादी के ऊपर तवज्जो शादियां करनी कोई नहीं कैरियर कैरियर बना लो कैरियर नहीं कैरियर ना बोलना आता है वर्ल्ड के वर्ल्ड क्या बोलना है जी हम अपना कैरियर बना रहे हैं ओ अल्लाह के बंदो पढ़ाई करो वो भी तरीके से ना की ना डिग्री तरीके से हासिल की चोरी सी डिग्रियां हासिल की दो नंबर डिग्रियां चीटिंग कर करके पास होना ना आप पा, पास होने के बाद अपने जॉब से भी ख्यानत करना और किसी जगह सही हो जाओ मुसलमानों किसी जगह तो सही हो जाओ कोई डरो अल्लाह ताला से इन सब की वजूहत जब सोशल जस्टिस खत्म हो जाता है ना मेरे भाई जब सोशल जस्टिस खत्म हो जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है द तो पर्पज सोल इस्लाम इज डिमिनिश्ड इफ यू नॉट प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू तो द पब्लिक बाकी सारे राइट्स एंड रिचुअल तो हर मज़ाहब में पढ़ाए जाते हैं इस्लाम की जो पार एक्सीलेंस सोच थी वह क्या थी तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं अल्लाह तला से इज्तमाही तो करें और दीन की इस्तकामत के लिए जिद्दोजहद करें सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को नाफिज करें औरतें पर्दा करें मर्द अपनी निगाहें नीची रखें इंक्लूडेड मी एवरी वन जो जो हमारे अंदर गलती हैं अल्लाह पाक हम मैं भी शामिल हूं मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हम सब शामिल हैं इन ऑल दीज काइंड ऑफ एनोमलीज ऑल दीज काइंड ऑफ प्रोपेंसिटीज और हम सब इक्वल हैं अल्लाह से यही दुआ कर सकते कि अल्लाह मैं अपनी आंख खोलूँ आप लोगों की आंखें खोलो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ इवेल्यूएट एंड असेस योर सेल्फ कहीं वो सूरत अलहशर वाला मामला ना हो जाए अल्लाह फरमाते जब तुम हमारे अकामत भुला जाते हो तो हम तुम्हें तुम्हारा अपना आप भुला देंगे तुम्हें यही नहीं पता होगा तुम जानवर हो कि तुम इंसान हो वाखिरबीआलमी